बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलेगी। किसान आंदोलन से खतरे के इनपुट पर यह फैसला लिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान आंदोलन 1 और 2 के कारण मनोहर लाल को खतरा बताया गया था। इसके इनपुट सामने आए थे। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की सुरक्षा घेरा को किया जाएगा कम। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलेगी। किसान आंदोलन के बाद एक खतरे के इनपुट मिले थे, उसके बाद यह फैसला लिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलेगी। किसान आंदोलन से खतरे के इनपुट मिले थे, उसके बाद यह फैसला लिया गया है। और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की जो सिक्योरिटी है उसको कम किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाएगी। किसान आंदोलन के बाद खतरे के इनपुट मिले थे, उसके बाद यह फैसला लिया जा रहा है। आपको बता दें कि ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकुर कपूर जुड़ गए हैं। अंकुर कपूर जी, जानकारी चाहेंगे आपसे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जा रही है और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की सिक्योरिटी कम की जा रही है, पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, जो हरियाणा के जो खुफिया सूत्रों से अभी जानकारी मिली है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, उनके कार्यकाल में जो किसान आंदोलन हुआ था जी। अब किसान आंदोलन 2 चल रहा है, तो इसको लेकर जो किसान आंदोलन 2 चल रहा है तो मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मगर जो सुरक्षा के जो आंकलन जो लगाए जा रहे हैं, कमेटी ने ये पाया कि पूर्व सीएम मनोहर लाल को खतरे को देखते हुए उनको जेड प्लस सुरक्षा की कैटेगरी देना उचित माना जा रहा है, क्योंकि इस आकलन के आधार पर उनको जो जेड प्लस सुरक्षा दी जा सकती है। तो ये सारी चीजों को लेकर जो मनोहर लाल खट्टर हैं, उनकी सुरक्षा कुछ भी कहने के लिए अभी ये तैयार नहीं है। जो हमने इनके सरकारी जो डिपार्टमेंट हैं उनके ऑफिसर से भी जानकारी चाही या किसी भी नेता से पूछना चाह तो फिलहाल उन्होंने बोलने से मना कर दिया। लेकिन ये चीज काफी स्पष्ट बात ये सामने आ रही है कि मनोहर लाल खट्टर को जेड प्लस सुरक्षा दी जा रही है। क्योंकि हम आंकलन करें, अभी कुछ दिन पहले जो हरियाणा में 25 फरवरी को कुछ गैंगस्टरों ने जो INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी उनकी भी बेरहमी से हत्या कर दी थी, उसके बाद जो INLD के अभय सिंह चौटाला हैं उन्होंने भी जेड प्लस सुरक्षा की मांग की थी कि उनको 17 जुलाई को एक यात्रा के दौरान एक वॉइस SMS आया था कि उनको जान से मारने की धमकी मिली थी, तो उन्होंने अपनी याचिका कोर्ट में लगाई थी। तो उसके बाद जो हरियाणा में अभी सीएम के पास जेड प्लस सिक्योरिटी है, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर को दी जा रही है, और दूसरी तरफ जो INLD के नेता है अभय चौटाला उनको भी यहाँ पर जेड प्लस सुरक्षा दी जा रही है। क्योंकि अगर हम कुछ समय और के पहले की बात करें, जो डेरा प्रमुख थे गुरमीत राम रहीम, उनको भी जेड प्लस सुरक्षा यहाँ पर दी गई थी। जी अंकुर जी, जानकारी चाहेंगे, लेकिन पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की सुरक्षा घेरा को कम किया जा रहा है, यह क्यों किया जा रहा है ऐसा? जी बिल्कुल, ये चीजें काफी स्पष्ट हो गई हैं कि किसानों जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी सुरक्षा को देखते हुए जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं उनकी सुरक्षा तो बढ़ा दी जा रही है, लेकिन जो पूर्व मंत्री हैं गृह मंत्री अनिल विज हैं उनकी सुरक्षा को यहाँ पर कम किया जा रहा है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उनको भी वहां पर जगह नहीं मिली है और ना ही उनको किसी भी प्रकार के प्रोग्राम में आने की कोई अनुमति दी गई थी। क्योंकि जब गृह मंत्री अनिल विज से हमारी बात हुई NB की खास बातचीत में, उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी प्रोग्राम में ना तो उनको कोई इन्विटेशन दिया गया ना उनसे कोई बात की गई है। तो अभी फिलहाल जो नजर आ रहा है कि गृह मंत्री अनिल विज की जो जेड प्लस सुरक्षा है उसको कम कर दिया जाएगा। जी ठीक है अंकुर कपूर जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाएगी। किसान आंदोलन के बाद खतरे के इनपुट मिले थे, उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए या फैसला लिया गया है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाएगी।